नमस्कार, मैं राम एन कुमार। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो चुकी है। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और यह भारतवंशियों का सबसे बड़ा त्यौहार है जो पहली बार भारत के बाहर मनाया जा रहा है। यह मनाया जा रहा है सिंगापुर में। सिंगापुर वह शहर है जहां पर संस्कृतियों का समागम होता है। आयुर्वेद को सिंगापुर में बहुत ही महत्व दिया जाता है। दरअसल सिंगापुर की किताबों में ही यह पढ़ाया जाता है कि दुनिया की सबसे पहली सर्जरी या शल्य चिकित्सा भारत में हुई थी और आयुर्वेद को सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति मानती है। यह निरोग स्ट्रीट का स्टॉल है। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हैं जो लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, नाड़ी चिकित्सा कर रहे हैं। यहाँ पर पंचकर्म के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ हमारी फिल्में भी हैं आयुर्वेद के ऊपर, उसे चला रहे हैं आयुर्वेद फिजिशियंस ऑफ सिंगापुर और निरोग स्ट्रीट मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इसमें विदेश मंत्रालय का भी सहयोग मिला है हमें और यह एक सबसे अच्छी बात है हमारे लिए कि आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। इसे हर स्तर पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। सारे आसियान कंट्रीज के सीईओज जो भारतीय मूल के हैं, उन सब का समर्थन, उन सब का विश्वास आयुर्वेद में है और वो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं सभी आयुर्वेद चिकित्सकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने रिसर्च को बढ़ाएं, वो खुद से रिसर्चर बने, अपनी जानकारी को लोगों के साथ साझा करें, जिससे कि हम आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा पद्धति या फर्स्ट कॉल ऑफ ट्रीटमेंट बनाकर इसे मुख्य धारा में लेकर आ सकें। धन्यवाद।